और आज की शाम सवालों को करके समाप्त कर देंगे। केस नंबर 4, बस थोड़ी देर बने रहिए, खेल खत्म है। बस केस 4 है कि अगर A+2 का जो आपने CFSE मानी है, जिसको आपने Y बोला, वो भी 0 नहीं हो, और B+3 की CFSE जो आपने मानी है, सारे स्पाइनल इन 4 में आ जाएंगे, सारे टोटल वो आपने मानी है और वो भी 0 नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो ऐसे केसेस में 95% केसेस में क्या होगा ना, ये एक्स जो है ये मैक्सिमम हो जाएगी 95% केसेस में। मैक्सिमम से मेरा क्या मतलब होगा, मैक्सिमम से मेरा मतलब होगा या तो ये D6 लो स्पिन का कहानी हो जाएगी या ये D3 की कहानी हो जाएगी। बिकॉज मैक्सिमम तो तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन केवल T2G में जाए, इलेक्ट्रॉन केवल T2G में या तो D3 में जाएगा या D6 लो स्पिन में जाएगा, बाकी तो लो स्पिन हमारे पास है ही नहीं, लो स्पिन तो केवल एक ही है। तो हाई स्पिन में तो D3 की मैक्स है और लो स्पिन में D6 लो स्पिन अकेला ही है। अगर ये दोनों हो जाए और ऐसा होगा तो वो कोबाल्ट +3 होगा, और ऐसा होगा तो वो क्रोमियम +3 होगा। और जनाब अगर मैक्सिमम ही हो गई, अगर इनकी मैक्सी हो गई, मतलब ज्यादा ही अगर इनकी हो गई है, तो इनसे ज्यादा तो किसी की होगी नहीं, और अगर इनसे ज्यादा नहीं होगी तो ए चाहे जो मर्जी तीर मार ले, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा बी का, कुछ कर ले ए, बिकॉज इनसे तगड़ा तो ए कुछ कर नहीं पाएगा, इनसे बेहतर तो ए के पास कुछ सामान होगा नहीं कभी। इसीलिए ओहो, अगर कोई स्पाइनल ऐसा मिल जाए, देखो जिनके बारे में आपने कितने सवाल किए होंगे ना, वो एक लाइन का सवाल है, अगर कोई स्पाइनल मिल जाए कोबाल्ट +3 का, या कोई स्पाइनल मिल जाए, कैसे बोलूं, अगर कोई स्पाइनल मिल जाए कोबाल्ट +3 का, चाहे एम कुछ भी है, कुछ भी आप आ जाओ, ट्रांजिशन नॉट कुछ भी है भले ही एम, और अगर या कोई स्पाइनल मिल जाए क्रोमियम +3 का, अगर इस प्रकार के दुनिया में कोई स्पाइनल आपको मिल गए गलती से, या तो कोबाल्ट का या तो क्रोमियम का +3 का, तो बिना पूछे उत्तर लगा दो, कुछ मत करो, देखो भी मत, ये हमेशा नॉर्मल रहेंगे, बिकॉज इनको रिप्लेस करने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम वगैरह तो +2 में आ नहीं सकते, बाकी कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। अभी CO3O4 स्टार्ट करके मैंने निकाला, अरे क्या जरूरत थी निकालने की यार, अगर ये कहीं पर दिख गया ना, अगर कोबाल्ट +3 है ना, तो बाढ़ में गया निकालना, नॉर्मल उत्तर लगा दो। और एक बात सुनो, एक स्पाइनल है जिसको ना बच्चे बहुत, अरे इतना इतना चासे ले लेके पढ़ते हैं ना बच्चे, पब्लिक है वो पगला रही है इसके पीछे, पगलाई हुई है। मैं बताता हूँ क्यों पगलाई हुई है, क्योंकि जब CFSE निकालोगे ना दोनों की, तो बराबर आ जाएगी, तो कहेंगे अब क्या करें, फिर टेट्राहेड्रल में निकालो, फिर बराबर आ जाएगी, फिर लास्ट में माथा मार के बोलते ना, अरे नॉर्मली था यार, अरे बोल क्या रहे हो गधो, अगर क्रोमियम दिख गया ना तुमको, तो कुछ नहीं देखने का, आंख बंद करने का, नॉर्मल लगा देने का, +3 की जगह क्रोमियम दिख गया, मतलब यहां वाले में, यहां ये 2 जो लिखा है उस वाले में अगर कोबाल्ट और क्रोमियम दिख गए, तो आप सीधा लगाने का, भक्के आने का। क्या आप समझ गए? हाँ, ये कहानी थी आपकी सीधा लगाने का, बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अरे इनकी तो बहुत हाई है CFSE, इनका कोई क्या ही करेगा, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। और तगड़ी बात बताता हूं लास्ट में।
हाँ नॉर्माइल बनाते हैं बिल्कुल। लास्ट में और समझ लो, अब मैं एकदम लास्ट टोटका आपको पेश कर दे रहा हूं, बिल्कुल आपको ना समझ में आए तो इधर देख लो। अगर Fe+3 के स्पाइनल हैं तो वो ऑलवेज इनवर्स लगाने हैं, अगर Chromium+3 के स्पाइनल हैं या Cobalt+3 के हैं या Aluminum+3 के हैं तो वो हमेशा ही आपको नॉर्मल लगाने हैं। बस सारे सवाल हो जाएंगे 95% और बचे हुए मेरे केसेस से हो जाएंगे पक्का। इसमें एक बात को याद रखना, एक ही एक्सेप्शन है इसमें, वो है ZnFe2O4। बस इसको ध्यान रखना, ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। इनमें इनमें एक ही एक्सेप्शन है NiAl2O4, ये इनवर्स होता है। बस ये लाइन तो दुनिया के 95% स्पाइनल के सवाल सॉल्व कर देगी, बचे 5% मेरे केसेस से हो जाएंगे। इसका मतलब इससे ज्यादा अब मैं जन्म घुट्टी नहीं पिला सकता, पूरा मैंने झंडू च्यवनप्राश ही खिला दिया अब लास्ट में, कि भैया इसके सब इनवर्स छोड़ के ये, और इसके भैया सब नॉर्मल छोड़ के ये सीख गए तो सब सीख गए। ये तो बिल्कुल घोल के पीने वाली, अब कौन CFSE निकालेगा, जो निकालेगा वो मूर्ख है, मैं तो कहता हूं महामूर्ख है। और देंगे तो जनाब इसकी तो जीरो है, इसकी नॉन जीरो है भैया, फिर तो ये नॉर्मल ही हो गया पक्का। इसका मतलब 100% नॉर्मल हो गया, बिकॉज बी की नॉन जीरो है, एक की जीरो है नॉर्मल। कोबा अगर ये देख लिया, अगर ये देख लिया तो भैया बिल्कुल देखते ही कह दो नॉर्मल है, बात खत्म। अगर एल्यूमिनियम देख लिया तो देखते ही कह दो नॉर्मल है। बस निकल वाला याद रखना, निकल वाला याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये इनवर्स है, बाकी सब नॉर्मल। एफ ही देखा, मतलब ये समस्त इनवर्स हैं, पूरे इनवर्स हैं, वो पूरे नॉर्मल, ये पूरे इनवर्स। केवल ZN देख लेना, केवल ZN देख लेना, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, बोलो बेटा। और क्रोमियम में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, क्रोमियम देखा और एक लाइन में बोल दिया नॉर्मल। बताओ कितने बरस लगे तुमको इसको करने में, तुमने पानी पी पी के किया होगा ये Fe3O4, CO3O4, बहुत तुमने किया होगा, MN3O4। ये लो जी हो गया सवाल।